कल रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए। जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी नहीं हो, दवाइयां हैं, खाद्य सामग्री है और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए पुलों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहां पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास इत्यादि, उस सब पर सभी कहा है। और आगे दीर्घकालीन क्या अति संवेदनशील क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र लगातार भूस्खलन, उसी के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था बना रहे हैं कि जो भी आकलन किया गया है, पहले जो आकलन किए बनाए गए हैं उसके अनुसार जो भी इस खतरे की जद में आने वाले बरसाती जो हमारे नदी हैं, नाले हैं, गाढ़ गधेरे हैं या जहां पर भूस्खलन हो सकता है, ऐसे स्थानों की पूरी जानकारी करके उन स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर और जहां जरूरी है वहां पर विस्थापन या पुनर्वास। सर, चारधाम का मुख्य मोटर मार्ग है सर, वॉस आउट हो गया पूरा, चारधाम की यात्रा चलती है। वो हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते को फिर से जो है रिस्टोर किया जाए, फिर से जो है उसको जोड़ा जाए और तत्काल जो है आपदा राहत के जो काम है वो किए जाएं, जिससे कि चारधाम यात्रा भी हमारी सुचारू रूप से रहे। हाँ, ये जरूर है कि मौसम विभाग जिस प्रकार से अपनी चेतावनी देता है या पूर्वानुमान करता है उसके अनुसार ही हमने कहा है कि यात्रा को आगे संचालित किया जाए, क्योंकि लोगों की सुरक्षा भी हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सबके जान माल की सुरक्षा। केदारनाथ उनको निकाला जा रहा है, जो लोग भी केदारनाथ मार्ग पर जहां पर 2 पुल हमारे कल बह गए थे, एक तो उन पुलों को जोड़ने के लिए तत्काल जिला एडमिनिस्ट्रेशन, आपदा प्रबंधन, एसटीआरएफ, एनडीआरएफ सब मौके पर पहुंच गए हैं और उन लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ लोगों को हेली से भी जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।